हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल वेब में। तो दोस्तों, जैसा पिछला वीडियो में एमसीबी और एमसीसीबी के बारे में बताया था कि दोनों होता क्या है, इस वीडियो में मैं एमसीसीबी का सेटिंग के बारे में बताऊंगा, जो कि एमसीसीबी में सेटिंग किस किस टाइप के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या देखा जाता है ना कि एमसीसीबी जो होता है उसमें जो 125 एम्पियर से कम के होते हैं और एक होते हैं जो 250 एम्पियर से स्टार्टिंग होते हैं और 250 एम्पियर से ज्यादा के होते हैं। तो जो 125 एम्पियर और 63 एम्पियर के एमसीसीबी होते हैं, 125 एम्पियर से कम होते हैं उसमें जो होता है कौन कौन सा सेटिंग किया जाता है, और जो 250 एम्पियर या 250 एम्पियर से ऊपर होते हैं उसके लिए कौन कौन सा सेटिंग है। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे और वीडियो बनाकर आपको सेटिंग करके दिखाएंगे कि उसका सेटिंग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, सेटिंग करने से पहले आपको जो है LSIG ये पता होना चाहिए कि LSIG या I1, I2, I3, I4 ये होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि I1 यानी कि L ये क्या होता है। तो I1 और L दोनों एक ही टर्म है, किसी में I1 और किसी में L लिखा रहता है। ये होता है ओवर करेंट के लिए। अगर आपका जो सेटिंग है ब्रेकर का या MCCB का, तो उसमें जो ओवर करेंट का सेटिंग करना है तो वो I1 में सेटिंग करेंगे। I2 में दोस्तों मेरा शॉर्ट सर्किट करेंट सेटिंग करते हैं, और I3 में इंस्टेंटेनियस ट्रिप करके सेटिंग करते हैं, और I4 में जो होता है वो अर्थिंग के लिए, अर्थ फोल्ड के लिए या ग्राउंड फोल्ड के लिए हम जो सेटिंग करते हैं वो I4 में सेटिंग करते हैं। दोस्तों, ये बात इसलिए बता दिया कि आगे चलकर जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें ये देखने के लिए मिलेगा आपको। अब दोस्तों, ये जो है आपका 125 एम्पियर से कम है, जो 63 एम्पियर और 125 एम्पियर का MCCB होता है उसमें आपका सेटिंग होता है एक नंबर में I1 और दूसरा होता है I3, यानी कि L और I। इसमें आपका सिर्फ ओवर करेंट और इंस्टेंटेनियस ये दोनों सेटिंग ही करते हैं। इसमें कैसे करते हैं वो आपको चलिए इस वीडियो एक बना दे रहा हूँ, वीडियो बना के दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा एक जो है MCCB हो गया, जिसके देखिए यहाँ पे एक मिनिमम मैक्सिमम करके लिखा हुआ है दोनों साइड, मिनिमम मैक्सिमम। तो एक जो है हमारा, एक साइड जो हमारा हो गया वो ओवर करेंट सेटिंग हो गया, और दूसरे साइड जो है हमारा वो इंस्टेंटेनियस ट्रिप हो गया। तो दोस्तों, इधर राइट हैंड साइड वो जो है ओवर करेंट है, और लेफ्ट हैंड साइड I3 का सेटिंग देखिए वहाँ पर दिख रहा है I3 सेटिंग, ये जो है I3 वो इंस्टेंटेनियस ट्रिप के लिए है। तो आप इसको मिनिमम, मैक्सिमम और मीडियम कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम करेंगे तो 1250 एम्पियर हो जाएगा, मिनिमम करेंगे तो 640 एम्पियर होगा, और मिनिमम करेंगे तो 625 एम्पियर होगा। उसी तरह ओवर करेंट का सेटिंग अगर आप मिनिमम रखेंगे तो, मैक्सिमम रखेंगे तो 125 एम्पियर होगा, मीडियम में 106 एम्पियर और मिनिमम में 85 एम्पियर। अब दोस्तों, बात आती है 250 एम्पियर या उससे अधिक की जो MCCB होती है, 250 एम्पियर या उससे अधिक की जो MCCB होती है उसमें आपका I1, I2, I3 और I4 चारों सेटिंग किए हुए रहते हैं, जो कि आपका ओवर करेंट और शॉर्ट सर्किट करेंट, इंटरनियर फोल्ड और ग्राउंड फोल्ड चारों का सेटिंग दिया रहता है कि आप कैसे करते हैं। नॉर्मली दोस्तों, उसका जो सेटिंग रहता है आप टेस्टर की मदद से, इसमें क्या होता है डीप स्विच लगा होता है, हर ब्रेकर का अपना अलग अलग होता है। तो इसमें क्या होता है डीप स्विच लगा हुआ है, जो मैं आपको वीडियो में भी दिखा रहा हूं कि कैसे किया जाएगा। तो डीप स्विच की मदद से क्या करते हैं ना, हम टेस्टर की मदद से सेटिंग को ये करते हैं। आप वहां पे देखिएगा, जब भी आप सेटिंग कीजिएगा तो IN नाम का एक शब्द आएगा। IN क्या होता है, तो IN बराबर होता है दोस्तों नॉमिनल करंट, जो भी ब्रेकर का नॉमिनल करंट है वो हो गया, यानी 250 एम्पीयर का है तो वो 250 हो गया उसका IN। अब आपको मैंने एक वीडियो एक बनाकर दिखा दे रहा हूं कि इसका सेटिंग कैसे कैसे किया जाता है और प्लस में क्या क्या रहता है। अब दोस्तों, ध्यान देने वाली एक बात और यहाँ पे है कि I1 और I2 और I4 यानी कि ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट करंट और अर्थ फोल्ड, इन तीनों में आपका टाइमिंग का भी सेटिंग क्या रहता है जी, कुछ भी सेकंड में, जैसे कि 3 सेकंड, 6 सेकंड, 12 सेकंड, इन तीनों में आपका टाइमिंग का भी सेटिंग देना पड़ता है। लेकिन इंस्टेंटेनियस अर्थ फोल्ड जो होता है वो क्विक होता है, यानी 0 सेकंड, उसके लिए कोई टाइमिंग नहीं डिनोट किया जाता है। तो जो इंस्टेंटेनियस फोल्ड है वो तुरंत ही ट्रिप करेगा, बाकी इन तीनों में आपको जो है टाइमिंग का भी सेटिंग करना है, जो मैं वीडियो में आपको सेटिंग करके दिखाऊंगा इसमें कि उसका क्या क्या सेटिंग होते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा फीडर हो गया, यहाँ पे देखिए एक जो MCCB लगी हुई है, MCCB वो 250 एम्पियर की है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे T max = T 250 लिखा हुआ है, तो ये 250 एम्पियर की MCCB हो गई, और नीचे तरफ इसके सेटिंग किए हुए होंगे। नीचे तरफ जब आएंगे तो आपको LSIG आराम से क्लियरली मेंशन किया हुआ है, LSIG, I1, I2, I3 और I4। तो दोस्तों, इसमें जो I1 बराबर है वो IN into 0.4 plus E है, तो IN जो होगा वो 0.4 से आप नीचे नहीं रख सकते हैं, तो 0.4 और प्लस ई के जगह पर जो भी आप डीप स्विच ऊपर की ओर करके रखेंगे वो आपका इसका सेटिंग हो जाएगा। अब नीचे दोस्तों देखिए,
टाइमिंग के लिए 3, 12, 36 और 60 सेकेंड का टाइमिंग डाला हुआ है जो सेकेंड में होता है। इनमें जो जो भी डीप स्विच जिस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है ऊपर में डीप स्विच जैसा रखेंगे आपका सेटिंग ऐसे हो जाता है। अब दोस्तों मैं टेस्टर की मदद से आपको डीप स्विच ऑन और ऑफ करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये टेस्टर की मदद से जैसे लगाएंगे ये ऑन हो गया और जब इसको डाउन करेंगे तो ये डीप स्विच जो है हमारा ऑफ हो जाता है, यानी वो सेटिंग में आपका नहीं लिया जाएगा। अब दोस्तों सेम इसको LSI जिस टाइप का सेटिंग कर देता है, और पिछला वीडियो में बताया था कि ये लोकल रिमोट काम करता है, तो बगल में देखिए लोकल और रिमोट के लिए एक जो लगा हुआ है उसको अगर आप रिमोट में रखेंगे तो ये रिमोट ऑटोमेटिक काम करेगा, और लोकल में रखेंगे तो ये वाला जो MCCB है वो लोकल में काम करेगा। तो दोस्तों ये था सेटिंग। अगर आपको सेटिंग का कैलकुलेशन करने में गड़बड़ होती है तो मैं ब्रेकर का वीडियो बना रखा हूँ, ब्रेकर का वीडियो बनाकर जाकर आप चेक कर सकते हैं तो सेटिंग आप आराम से कर पाएंगे। तो ये था LSIG का सेटिंग का MCCB। मेरे चैनल पर बने रहिए, धन्यवाद।